संरक्षण को नहीं आमेरिका रे राहुल गांधी देइतिबा मंतव्य को कड़ा समालोचना करिछंती बीजेपी सांसद मिथिलेश कुमार काथेरिया। से कहिछंती कांग्रेस रो चिंताधारा सबुबेले संरक्षण विरोधी। 1961 रे संरक्षण हटाइबा को चेष्टा करथिले सेतेबेलर प्रधानमंत्री नेहरू, किंतु आंबेडकर संविधान रे जो संरक्षण कथा रखिथिले ताको बीजेपी कार्यकारी करिछि। धारा 370.35 ए हटाई जम्मू काश्मीर रे दलितों न्याय प्रदान करा जाइछि। चलित निर्वाचन रे सेठारे 7 जन एससी और 9 जन एमएलए हेबाकु जाउछन्ते, जहाकि जम्मू इतिहास रे प्रथम। मोदी समय रे ओबीसी दलितों विकास पई काम होइछि। संविधान रो सर्वोच्च आसन रे दलित वर्ग को बसाइछन्ते मोदी। कांग्रेस जेते चेष्टा कले मध्य संरक्षण को हटाई पारिबो नाही बोली कहिछन्ते मिथिलेश कुमार। राहुल गांधी जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव के टाइम पर किस तरीके से नैरेटिव फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे देश के सोचिए माननीय प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक हमारे देश पर राज किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। नेहरू जी ने 1961 में जब वो प्रधानमंत्री थे तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके आरक्षण से अक्षमता और द्वयम दर्जे का मानक पैदा करने का पत्र लिखा था। आरक्षण के लिए संविधान जो बनाया था उसको लागू करने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने किया। एससी एसटी और ओबीसी के बारे में चिंतित रहते हैं और कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया कि हम 400 पार हो जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, तो अभी आपने अमेरिका में देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि जब हम पावर में आएंगे तो हम संविधान में संशोधन करके आरक्षण को ख़त्म कर देंगे।